नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरै वन्दितपादपद्मं लोके दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंच कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है, अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए।
पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग संभाषण शुरू करेंगे, उसके पहले मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। भले हमारे पास कम लोग आए कोई बात नहीं है, लेकिन हम संभाषण जरूर करेंगे। हमारे लिए 10 लोग तो 10 लोग, लेकिन हम संभाषण जरूर करेंगे। तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया हूँ। एक बार आप अनम्यूट हो रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करिए आप लोग हो पा रहे हैं। हेलो सर, हो रहा है? हाँ, डॉक्टर बिंदेश शास्त्री जी, आपको दवाई मिल गया क्या? डॉक्टर नहीं सर, अभी कुछ मिला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सब डिटेल बताता हूँ। ठीक है, डॉक्टर माधुरी जाधव जी, आपका तबियत कैसा है? डॉक्टर माधुरी मैम। सर गुड इवनिंग सर, अच्छा है सर, 100% ओके। हाँ 100% ओके सर, ठीक है सर। मैंने भी नस्य चालू किया है शीर बला ऑयल का। अच्छा, तो कैसा लग रहा है नस्य लेके? सर मैंने अभी तीसरा दिन था, पर मैंने 15 ml नहीं लिया सर, मैं 1 या 2 ml ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड डाल रहे, उनको अभी इतना ये नहीं हो रहा है, पर डाल रहे सर। पर अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, तो मुझे लग रहा है वो कम लग रहा है दुखना में। 15 ml डाल लिए ना, ट्राई करिए ना बढ़ा के। करूंगी सर, मैं जरूर। आप खुद भी डाल सकती हैं वो तो तेल सर, खुद भी हो सकता है क्या वो? 100% प्रशांत भट्ट जी देखिए, अपने सब पेशेंट में डलवा रहे हैं, सभी में फायदा हो रहा है। खुद ही नाक के पास ले जाना है और धीरे धीरे डालना है वो। हाँ। तेल डालते हुए पता चल जाता है, खुद डाल देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैं सर ट्राई करूंगी, अभी तो फिलहाल 2-3 ml ही ले रही हूँ, पर कम हुआ है मेरा दर्द, कम हुआ है सर। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि 100 साल की बजाय और आप यंग रहे और कोई तकलीफ ना हो, तो आप और डलवाइए। हाँ नहीं सर, जरूर मैं करूंगी, ज्यादा डालूंगी। ठीक है, एक डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर ने हैंड रेज किया है, बहुत अच्छे प्यारे डॉक्टर हैं सर, आप कृपया बताइए कुछ। सर प्रणाम। प्रणाम सर, कैसा आपके पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या है, कैसा लग रहा है उनको? अभी सर तो आज उनको मैंने रिस्ट्रिक्ट कराया डाइट, और केवल अभी दूध पर रखा है सर, जो है गौ दूध पे। जी जी, अब सर 1-2 दिन बाद फीडबैक लूंगा उनसे सर, जो है। मुझे ना दिल से इतना खुशी हो रहा है ना कि आप PhD इन सर्जरी हैं और काय चिकित्सा का इतना अच्छा केस सॉल्व कर रहे हैं, मतलब और सक्सेस रेट भी अच्छा है ना आपका सर, बढ़िया लग रहा है सर। आप लोगों के और सभी लोगों की आशीर्वाद से संभव हो पा रहा सर, जो है। नहीं तो अभी सर हम लोग का जो है आयुर्वेद का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं था, दोषों के आधार पर हम लोग पहले मॉडल। मैं जिस कॉलेज से BMS किया हूँ ना, उसके सर थे, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जैसे कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वैसे हमारे सर थे गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और सर्जरी के HOD थे जी। वो मतलब प्रैक्टिकल बताते थे, कभी सर्जरी करते हुए हमने नहीं देखा सर। तो ऐसे लोगों को हम लोग सब कहते नॉन सर्जिकल सर्जन। तो सर एक पेशेंट मेरे पास आज आया सर, जो है जी, वो IGU नेप्रोपैथी करके लेके आया बच्चा, जो 17-18 साल का सर, जो है जी। और वो सर जो है दिल्ली में भी दिखा चुका है, कई जगह वो दिखा चुका है, तो अभी आयुर्वेद के पास सर आया है जी। तो सिम्टम क्या है सर उनका? तो सिम्टम सर वीकनेस बताता है वो, और बीच में पहले उसको पेट में दर्द हुआ, और यूरिन रिपोर्ट में सर उसको जो है अभी प्रोटीनूरिया 2+ है, एल्बुमिन सर जो है, और RBC 1-3 पर क्यूबिक मिलीमीटर सर आ रहा है जी। और बाकी उसको थोड़ा अभी जो है BP 130/90 है सर जो है जी, और यही कंप्लेन लेके सर आया है। तो मतलब आपको क्या ग्रहणी की, आपने जो सिम्टम बताया सब ग्रहणी के विकार बताए, और कुछ नहीं आपको ऐसे स्पेशल कुछ नहीं दिख रहा व्याधि प्रतिनिधि? और तो ऐसे सर कुछ नहीं दिखा, और जो सर आप पेट तो जरूर कह रहे थे सर कुछ खराब रहता है, जो है खाना खाने के बाद लैट्रिन जाते हैं कभी कभी, जो है ऐसा बता रहा था
तो आप ग्रहणी के चिकित्सा में पर्पटी कल्प और दीपन पाचन से शुरू करिए जी। लेकिन आपने बीमारी कुछ और बताया और सिम्टम कुछ और बता रहे हैं। बीमारी सर उसको जो डायग्नोस होके आया है सर उसकी रीनल बायोप्सी हुई किडनी की, तो उसमें आईयू नेफ्रोपैथी डायग्नोस हुआ है सर जो है। नहीं तो उसके क्या सिम्टम दिख रहे हैं, वो नेफ्रोपैथी के क्या सिम्टम दिख रहे हैं? वो सर बताता है कि जो है उसको वीकनेस बहुत रहती है। तो क्या एल्बुमिन जा रहा है, क्या यूरिया जा रहा है? जा रहा है पेशाब में, अभी तो 2+ जा रहा सर, पहले कभी 4+ भी जा रहा था। हाँ, तो आपको हमारे सर का जो ये एल्बुमिन काढ़ा है सर का फॉर्मूला आपको मालूम है? हाँ सर मैंने देखा तो है सर सब भाषा में, पर अभी मुझे याद नहीं सर। मैं अभी लेके आ रहा हूँ, एल्बुमिन काढ़ा दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर जी, एक मिनट रुके, मैं ला रहा हूँ जी सर। वो आप ना 3-4 महीना चलाएंगे, पेशेंट का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो एल्बुमिन जा रहा है ना वो ठीक हो जाएगा। आपको इसमें दिख रहा है शेयर वाला, रुके मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ सर, आपको ये 4th नंबर का दिख रहा है सर का फॉर्मूला बुक लीजिए। हाँ कृपया पढ़ दीजिए ना इसको, 4th नंबर का जी सर। फोर्थ नंबर जी सर, इसमें सर जो है कासमरी, देवदार और फलत्रिक। हाँ मतलब त्रिपला है, देवदार है और कासमरी या गंभारी, इसको मिक्स करके और इसका काढ़ा सुबह शाम पिलाइए। पेशेंट का ये नेफ्रोपैथी पूरा ठीक हो जाएगा, एल्बुमिन जा रहा है वो ठीक हो जाएगा सर। कासमरी हो गया गंभारी सर। हाँ और देवदार सर, देवदार और जो है फलत्रिक माने त्रिपला सर जो है। हाँ मात्रा सर समान रहेगी कि? समान मात्रा जी जी जी। सुबह शाम के साथ में अब चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि, गोक्षुर का चूर्ण, ऐसे पुनर्नवा ये सब दे दीजिए तो बहुत अच्छा पेशेंट हो जाएंगे। अभी सर मैंने उसको 3 चीज प्रेस्क्राइब किया है सर जी, चंद्रप्रभा बट्टी जी और पुनर्नवा चूर्ण सर जो है जी, और क्या कहते हैं गुड़ुची सर जो है जी। इतना बढ़िया आपने दिया है सर, 3 चीज सर अभी मैंने दिया है जी सर। क्योंकि सर जो है ये जो मॉडर्न के हिसाब से आईजू नेफ्रोपैथी जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो मैंने सोचा सर यहाँ जो है गिलोय को कुछ काम करना चाहिए सर। 100% जी सर। और वो लोग जो ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं वो आयुर्वेद में ज्यादातर ग्रहणी दृष्टि की ही बीमारी रहती है ज्यादातर। अच्छा जी जी। आपको अग्नि को अच्छा करना है, दीपन पाचन करना है, तो देखिए आप या तो आरोग्य वर्धिनी दीजिए, नहीं नेफ्रॉन का तकलीफ है ना, किडनी का तकलीफ है, तो रसकल्प आपके पास कैसा आ रहा है पता नहीं, तो आप ना लशुन अधिवटी या दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे कुछ दीपन में लवण भास्कर चूर्ण, कोई पुनर्नवासा पुनर्नवारिष्ट, ऐसे बिना मेटल्स वाला दवाई दीजिए जी। वो दे सकते हैं सर जो है क्या कहते हैं सर्वतोभद्र बट्टी सर जो है, सर्वतोभद्र रस है, शिवा गुटिका है जी, माहेश्वर वटी है, ये सब जी जी। ठीक सर, थैंक यू सर। और आपकी मैडम भी डॉक्टर हैं क्या? जी सर जी जी सर। उनका भी आवाज आ रही, उनको भी लाइए ना संभाषा में जी, वो आपको आपको मैडम सुनती रहती हैं, आपकी फैन है वो बहुत, तो उनको बोले ना वो भी अपना कुछ कुछ बताया करें हमें जी जी मैडम जी सर। हाँ। आपको प्रणाम बोल रहे सर। ठीक है प्रणाम सर। आप भी आया करिए ना मैडम जी, आप भी संभाषा में श्लोक वगैरह पढ़ा करिए ना जी सर। मैं सुबह भी सर से बात कर रहा था तो आपका आवाज आ रहा था, तो मुझे तभी लगा कि आप डॉक्टर ही हैं असली में। जी 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 जी। हम लोग सर आपस में थोड़ा बहुत कंसल्ट करते रहते सर जो कि ना दिक्कत महसूस होती सर जो है, फिर आपका तो सर है ही है आशीर्वाद, तो इनको भी ला दिया करिए ना, हम इनसे कल से श्लोक पढ़वाएंगे ठीक है सर, ठीक है सर जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर प्राची जी, पुणे की डॉक्टर प्राची जी, सुन पा रही है क्या? हाँ सर, हेलो। आप कैसी हैं? आपके पेशेंट का कुछ बताइए, क्या हाल चाल है पेशेंट का? पेशेंट अच्छे चल रहे हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ मुझे और भी एक केस मुझे आपको पूछना था। एक्चुअली वो पेशेंट मेरे पास रेफर करने के लिए आया है सिर्फ पंचकर्मा के लिए, तो मैं पूरा केस मैं खुद ट्रीट नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि और कुछ हम ऐड कर सकते हैं। वो पेशेंट 15 साल की है और 5 साल पहले पेशेंट जब नहा रही थी तो वो शायद वो गैस गीजर यूज करते और गैस गीजर मतलब वो आधा पौन घंटा बाहर आई नहीं तो मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, तो वो
बेहोश हो गई थी बच्ची, तो उसको यहाँ के सह्याद्री हॉस्पिटल में लेके गए, तो उसको गैस गीजर सिंड्रोम यही डायग्नोस हो गया। तो वो उसने जो फ्यूम्स है वो इनहेल किए थे, और बाद में वो लड़की बेचारी 20 से 22 दिन एडमिट थी, तो सॉरी 20 से 22 दिन कोमा में थी ऑलमोस्ट। तो अभी भी कैसा है उसके बाद, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी, बट उसके बाद वो बची। बट अभी कैसे, उसका एज 15 साल का है, बट अभी वो मतलब लिखना पढ़ना सब भूल गई, तभी भी तभी तो सब कुछ भूल गई थी, अभी एटलीस्ट वो चल पाती है, बट फिर भी उसका ओरिएंटेशन कम है। जैसे मतलब अभी चप्पल पहनती है तो उसको फटाक से पहनने को नहीं आता, कपड़े पहनते वक्त भी उसको टाइम लगता है, कभी ठीक से पहनेगी कभी नहीं। जैसे बस्ती में उसको दे रही हो, अभी 15 दिन अभी होने को आए, फिर भी उसको एवरीडे वही बताना पड़ता है कि इस तरह से सो जाओ, इस तरह से पेट आगे करो, पैर आगे करो, इस तरह से। तो उसका ओरिएंटेशन कम है, लिखना पढ़ना तो भूल गई है। तो उसके लिए अभी एक सर ने मेरे पास सिर्फ पंचकर्मा के लिए भेजा था, तो उसका अभ्यंग चालू है महानारायण तेल से, फिर शाली षष्टिक स्वेद, षष्टी शाली पिंड स्वेद, बाद में नस्य चालू है, और बस्ती चालू है महानारायण तेल का मेरे यहाँ पे। तो मतलब मेरे ये था कि हम लोग शिरो बस्ती भी ऐड कर सकते हैं, या फिर धूपन द्रव्य। इंटरनल क्या दवाई दे रहे हैं वो? इंटरनल वो ब्रह्मलिन सिरप दे रहे हैं, महाकल्याण घृत दे रहे हैं, सारस्वत का चूर्ण दे रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। कोई अगध द्रव्य नहीं दे रहे? नहीं, उन्होंने अगध द्रव्य नहीं दिया है। क्यों क्यों, जब फ्यूम्स गया है तो? हाँ वही वही वही, मैं एक्चुअली वही चाहती थी कि जैसे हम बीच में भी मैंने कुछ संभाषण में ही सुना था कि धूपन में हम लोग ऐसे, मतलब जैसे ये भी फ्यूम्स उसने इनहेल ही किए हैं, तो हम लोग धूपन में ऐसे कुछ डाल के दे, क्या गूगल हो या तो फिर ऐसे स्क्रीन पे देखिए, दशांगले पर दशांग अगध, इसमें क्या क्या द्रव्य, वो पढ़ के मुझे भी बताइए और आप भी पढ़िए। ओके, दशांग लेप में शिरीष तगर रजनी दारवी यष्टि रक्त चंदन एला मांसी कोष्ठ उशिर है। दशांग दश क्या सर? हाँ नीचे वाला पढ़िए पढ़िए। दशांग अगर में वचा हिंग विडंग सैंधव पिंपरी पाठा अतिविश त्रिकटु है। इनका काढ़ा बना के और पेशेंट को पिलाइए सुबह शाम, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, ये दोनों का, लेप और अगध दोनों का बोल रहे हैं आप सर? हाँ, ये कंटेंट जो है ना, शीरिष भी देखिए अगध में श्रेष्ठ है, तगर हाँ, भी है, रजनी हल्दी भी है, दारू हल्दी यष्टि रक्त चंदन, इसका काढ़ा सुबह शाम पिलाइए, पेशेंट जल्दी ठीक होंगे और आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अगध देके ठीक। राइट, मतलब सर मुझे अभी ये पूछना है कि अभी ये पार्टनरशिप वाला पंचकर्म का क्या है कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप की उनका ट्रीटमेंट और आपके पास? नहीं, वैसे पार्टनरशिप वगैरह नहीं है, वो जो अभी ये जो पेशेंट है वो मेरे घर के पास में रहते हैं। अच्छा। उन्होंने कंसल्ट किया था पिंपरी चिंचवड़ के कोई डॉक्टर को, तो उन्होंने अभी उनकी 1-1.5 महीने से ट्रीटमेंट चालू है, और उन्होंने सारे ये लिख के दिए कि उन्होंने बोला आपके घर के पास से, मतलब उन्होंने बोला रहेगा शायद कि इतना दूर हम लोग नहीं ला सकते हैं रोज, तो फिर उन्होंने बोला कि ये मैं लिख के देता हूँ, ये सारी चीजें आपके घर पे पास से किसी के पास से करते हो। आप कितना लेते हैं, चार्ज कितना करते हैं ये सबका? सर आप मुझे वही सवाल क्यों पूछते हो? तो बताइए तो मालूम तो चले कि कितना चल रहा है, मतलब पता तो चले कि पुणे में क्या रेट चल रहा है। सर आप क्या मुझे पूछ रहे हो? बस बता दीजिए कि बस्ती का कितना। नहीं नहीं, मैंने सब पकड़ के मैंने उनको बोला कि 1800 रुपए पर डे। 1800 रुपए? अच्छा, और कितना दिन देंगी आप? उन्होंने 14-15 दिन बोला है मुझे। अच्छा, तो आप अपना दवाई दे ही नहीं सकती क्या, ऐसा भी नियम है क्या? मैं अभी मेरे यहाँ से बोल रही हूँ उनको, क्योंकि आप बोलिए कि देखिए, उनको ऐसे समझा के बोलिए कि उन्होंने दिया है आपके माइंड पे काम करने की दवाइयां दी हैं, लेकिन आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स गए हैं, मतलब फ्यूम के रूप में जहर गए, उसके लिए ये दवाई लेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी, ऐसा बोलिए। राइट, तो नहीं मतलब मुझे ये पूछना है कि ये इंसिडेंस हुआ था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले होके अभी उसके ब्रेन में जो भी है जो चेंजेस हुए थे, तो अभी वो शिरीष का, मतलब अभी जो है करेगा, ये शिरीष जो है ना पूरा धातुओं में जाके और वैवाही विकासी जितना गुण से बढ़ा है विष, तो ये सारी दवाइयां पूरा नष्ट करती है, वो संप्राप्ति को ठीक कर देती है। ओके, और फिर धूपन में हम लोग और कुछ ऐड कर सकते हैं? इसी का धूपन भी दीजिए, इसी का लेप लगाइए, इसी का नस्य दीजिए, इसी का सब कुछ दीजिए, इसी का दीजिए। अच्छा, इसी का या इसी के पैरेलल कोई और दवाई दीजिए।
और प्राची जी आप मुझे बताइए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो कौन दिल खोल के बताता है कि हमारा इतना फीस है पुणे में? पुणे का लोग बताते हैं क्या, आपको लगता है कि क्या फीस चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, कोई बताते हैं? पाठक सर प्रणाम, आप आयुष दर्पण में है इसलिए हक से पूछता हूँ, क्या आप कितना लेती हैं? तो उसमें क्या है, आप और ग्रोथ करिए, 1800 क्या 2500 लीजिए, 3000 लीजिए, मुझे क्या है जी। पाठक सर प्रणाम। प्रणाम सर पवन जी। सर प्राची मैम से मेरा वो है क्वेश्चन, मैम ने, मैंने सर गैस गीजर एक्सपोजर के बहुत सारे केसेस देखे हैं, पर इतना लॉन्ग टर्म तो इफेक्ट आई थिंक नहीं मैंने कभी देखा, और हो सकता सर इसके पीछे और ना कोई कोई ना कोई और डिजीज है मैम। तो आपके पंजाब के लोग ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं सर, पुणे के लोग सुकुमार रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे 10-11 बजे आ रहा है। सर ये बच्ची है ना, तभी वो कितना 14 साल की वगैरह बच्ची रहेगी, 14 भी नहीं, उससे छोटी, 12 साल। प्रॉपर हिस्ट्री लिया मैम, तभी से ही ऐसा है या बाद में ऐसा कुछ? हाँ मैंने देखो जैसे पेशेंट हो, मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था कि ये चीजें आपके पास होगी क्या, तो मैंने बोला कि हाँ, तो मैंने शुरू कर दिया, पर फिर भी मैंने उसके मतलब ऐसे जरूरी नहीं थे इतना डिटेल में हिस्ट्री का, फिर भी मैंने लिया है उसकी हिस्ट्री। तो उसने मुझे बाद में क्या बोला कि ये जो इंसिडेंट 5 साल पहले हुआ था, उसके पहले भी 8-9 मंथ्स पहले ये सेम इंसिडेंट हुआ था, तभी उन्होंने ऐसे डायग्नोस नहीं किया कि ये गैस गीजर की वजह से, मतलब ऐसे उनको लगा नहीं, और तभी कैसे आई थी, और फिर मतलब वो बाकी पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए, और फिर उन्होंने बोला कि शायद वो वीक है बच्ची, ये वेसोवेगल शॉक है, इस तरह से वो डायग्नोस हुआ। आवाज चला गया, आवाज नहीं आ रहा। आ रहे आवाज। हाँ तो इसके लिए वो सेम कंटिन्यू करते गए, और फिर सेकेंड टाइम जब ये फिर से हुआ तो फिर वो नहीं, मतलब वो उठी नहीं बच्ची, ऐसे हुआ। मैम ये गैस गीजर एक्सपोजर नहीं है और कोई डिजीज है इसका, और कोई नहीं कोई कारण है, क्योंकि गैस गीजर एक्सपोजर में तो क्या होता है CO2 रिटेंशन कर जाता है, उसमें तो हम ऑक्सीजन देते हैं तो, और या वेंटिलेट करके हाइपरवेंटिलेट कराते हैं। अभी तो ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए, बट वो उन्होंने अच्छे तरह से हैंडल नहीं किया केस, जैसे पेशेंट ने मुझे सब बताया ना, अभी ऐसे डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहिए, बट वहां पे फिर जैसे उस दिन उसका सिटी स्कैन किया और क्या ईजी वगैरह किया, तो वो सब नॉर्मल था, बाद में फिर 2 दिन के बाद उसका MRI किया, तो जिसमें उनको चेंजेस मिले, वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा स्लो उन्होंने किया, शायद और जगह कहीं लेके जाते थे तो थोड़ा सा अच्छे से होता था। मैम एक बार दोबारा से हिस्ट्री पूछना, थोड़ा सा ना पूछना, फिर भी कोई ना कोई और डिजीज, हम अपना भी डायग्नोसिस बनाएंगे ना। दिस इज नॉट माय डायग्नोसिस, ये अभी 5 साल से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो ये नहीं हमें केस, मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है, हमें भी केस, मान लो आप उनका दिया हुआ ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, वो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी हम अपने दिमाग से भी सोच के अपना भी कोई डायग्नोसिस सोचते ना उसमें, मैं कोई ये थोड़ी कर रहा हूँ। हम वो देखो अभी जितना मुझे पेशेंट ने बोला है कि उसके पहले वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, अभी कथक डांसर थी, कथक के 2-2 उसको मेडल्स मिले थे, और उसके बाद से ही एकदम वो मैथ्स में वीक हो गई, मतलब पहले इंसिडेंट के बाद उसने बोला वो वीक मैथ्स में वीक हो गई, और सेकेंड इंसिडेंट के बाद तो वो पढ़ना लिखना अभी तो उसको वो भी नहीं आता, वो सड़न हो गया ना, ये तो सड़न हो गया है, वो बेहोशी हो गई, वो उठी नहीं उस वो दिन के बाद, डायरेक्टली 20-22 दिन के बाद ही उठी है, मतलब गैस वो जो उसके अंदर गिरी बाथरूम के अंदर उसके बाद। हाँ हाँ वो सड़न था, सड़न एक्सीडेंट के बाद ही ये हुआ है, और पहले इंसिडेंट में जैसे हुआ था ना वो, मतलब तभी खोला था उसने, तभी वो बेहोश थी, उसको थोड़ा सा हिलाया वगैरह, वो उठी थी, और उसके बाद वो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हो गई, और ये सेकेंड इंसिडेंट के बाद तो नहीं, मतलब 20-22 days she was in coma। मुझे लग रहा है कि ये विषजन्य भी और आघात जन्य भी है, आघात बहुत ज्यादा लगे, मतलब चोट लगे शारीरिक, मतलब ब्रेन पे भी इंजरी। मैम इस पेशेंट को नस्य है क्या चालू? हाँ नस्य चालू है, वो सर ने बला तेल का और पंचेंद्रिय वर्धन तेल का अल्टरनेट दिया था, मैं मेरे यहाँ से अभी बला तेल का 101 आवर्ती कर रही हूँ। सर इसमें वच्चा तेल का दे सकते हैं क्या? वच्चा तेल बहुत बढ़िया काम करेगा, वो मेध्य भी है, संज्ञा स्थापन भी है। और सर शिरोबस्ती वगैरह वो भी अच्छे काम करते हैं क्या इसमें? बहुत अच्छा काम करेगा। विरेचन भी कराइए मैम इसका। विरेचन जी हम तो दूसरे वो काम तो जो मैम तो वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना जो करके उन
हाँ मतलब वो तो अभी जो प्रिस्क्राइब है मैं कर रही हूँ, बट मैं मेरे यहाँ से एटलीस्ट बोल रही हूँ कि और भी कुछ करने की जरूरत है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हैमरिंग हो जाएगा मेरे साइड से। अटक सर जी। हाँ जी सर, मेरे को इस केस में कुछ बोलना है। आई थिंक देयर इज समथिंग इज मिसिंग, इसमें कोई इमोशनल और कोई भी समथिंग इज मिसिंग देयर, कम सम काइंड ऑफ इज मिसिंग देयर। कुछ कुछ तो गलत है जो लड़की या फैमिली कुछ बताने रही चाहिए शायद। अच्छा, असल में ये मैम के पास केवल पंचकर्म के लिए है, ट्रीटमेंट कोई और डॉक्टर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जो शुरुआत से मतलब किसी एक सब सम हिस्ट्री इसमें मिसिंग है, क्योंकि अगर उनको पूछना चाहिए फैमिली में ये लड़की को एक गैस का हुआ और किसी को भी हुआ है, घर का ये इश्यू है तो घर में और किसी को भी एक गैस लीकेज या कुछ भी चीज तो मालूम होना चाहिए ना। हाँ, इसी को क्यों हुआ है जी, वो शी एनी डिप्रेशन और इज देयर एनी अदर सोशल इश्यू समथिंग लाइक बिहाइंड। सर वो हो सर, गैस गीजर का हो सकता है कई बार ना, रूम अच्छे से बंद हो, वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, सकता है किसी को भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है, पर इतना लंबा नहीं चलता। मैंने कम से कम भी 100 केस देख चुका होगा, कम से कम 100 केस। समथिंग इज मिसिंग होने के बाद फिर वो ट्रीट नहीं किया गया सर, उनको अंदर ही अंदर संप्राप्ति बढ़ते गई और चोट भी लग गया उनको, गिर गई। नहीं तो जो 21 डेज कोमा में थी ना, उस वक्त कुछ गलत ट्रीटमेंट भी गया होगा वो ब्रेन को। हाँ मतलब जैसे ये हो सकता है मैम, ये हो सकता है। जैसे पेशेंट बोल रही थी कि वो दिन लेके गए तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ तो उसको होश आया था, उसने कुछ तो एक दो वर्ड बोले भी थे, फिर उसके बाद उसको कोई तो एक इंजेक्शन दिया और फिर उसके बाद से वो पूरा ही कोमा में चली गई, ऐसे पेशेंट बोल रही है। अभी पेशेंट का वो इंजेक्शन का नाम पता नहीं, कुछ नहीं। मैम वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर पे रखा था क्या? गलती भी हुआ होगा कुछ तो, इसमें 21 डेज कोमा में गए कुछ तो हुआ होगा। ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है, तो ये गलत गया शायद। तभी अगर ऑक्सीजन वो कंटिन्यू करते थे तो ये जो अभी इरिवर्सिबल हो गया है ना, तो वो रिवर्सिबल हो सकता था, होता था तभी के तभी अगर देते थे तो। कई बार मैम ऐसे होता है ना, आईसीयू में अगर पेशेंट आ जाता है ना और पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, कई बार हॉस्पिटल वाले ना जो ये होते हैं एलोपैथिक वाले, ये कोई ना कोई ऐसा सीडेशन दे देते हैं पेशेंट को ज्यादा दिन रखने के चक्कर में, और वो कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता है, वो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा कमी और ज्यादा, ऐसा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है अपने फायदे के लिए ना। कई बार हॉस्पिटल को लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर में ना सीडेट कर देते हैं पेशेंट में, कई बार ओवर सीडेशन से ना ब्रेन में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, वो 4-5 घंटे तो पता ही नहीं लगता, SpO2 डाउन जाता ही नहीं है 5-6 घंटे तक, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन जाता है। फिर इतनी अभी इंटरनल मेडिसिन में नहीं दे रही हूँ, बट आप लोग प्लीज बताओ कि इनकेस हमको देना है तो हम लोग क्या और दे सकते हैं। मैम एक बार प्रॉपर हिस्ट्री लो, प्रॉपर और ज्यादा से हिस्ट्री को खंगालो, हम लोग तो साथ में ही, हम लोग तो फिर भी डिस्कस कर लेंगे। प्राची मैम उसका कोई लेटेस्ट सिटी स्कैन रिपोर्ट है क्या, शुरू में वो उसके बाद अभी का कोई है? लेटेस्ट है मेरे पास, मुझे देखना पड़ेगा, मैं कल वगैरह लाती हूं आपको, कल शेयर करूंगी। रिसेंट ही है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ डैमेज हुआ है तो अभी तो पता चल जाएगा ना, शुरुआत में शायद ना पता चले, अभी तो हो सकता है। अभी भी चेंजेस है इसमें, एक मिनट में देखती हूँ। आप देखिए तब तक हम दूसरे से बात करते हैं। ओके सर। हाँ विश्वनाथ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। मेरा फ्रेंड हाई है सर, इधर बात करने के लिए, डॉक्टर सुनीता, उसको कुछ बोलना है सर। उनको बोलिए कि वीडियो ऑन करें और हमें बताएं, वीडियो ऑन। डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर सुनीता जी अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज वीडियो ऑन करिए। सुनीताज M52 है ना? हाँ यस सर। डॉक्टर सुनीता जी आप उनको कॉल कर दीजिए। हाँ हेलो सुनीता जी, अगर आपको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है तो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। सर आई विल बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश सर। यस यस। नमस्ते सर। नमस्ते जी।
बोलिए बोलिए सर. माय नेम इज सुनीता. आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर सर. एट प्रेजेंट आई एम इन बैंगलोर. जी आई कंप्लीटेड माय बीएमएस 20 इयर्स अगो सर. जी बट आई कुड नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग सर. आई वाज लुकिंग एट माय होम एंड ओनली चिल्ड्रन. नो वन वाज दे टू टेक केयर. जी ओनली फ्रॉम 4 to 5 years आई एम प्रैक्टिसिंग. जी बट आई प्रैक्टिस ओनली आयुर्वेदा सर. जी जी वेरी गुड. आई हैव सम इश्यूज विद माय हेल्थ प्रॉब्लम सर. जी कैन आई शेयर विद यू सर? यस यस यस. इनका केस टेकिंग कौन करेगा? कोई आइए मैडम लोग, आकांक्षा मैम, अंजना मैम, कोई तो आइए इनका केस टेकिंग करते. विन्यासा जी आपके, देखिए आपके स्टेट की है विन्यासा जी. ये मैम बस कन्नड़ मत बोलिएगा, कन्नड़ मत बोलिएगा, हिंदी में हमें भी सुनना है. विन्यासा जी एक मिनट, डॉक्टर विन्यासा जी हैं आपके स्टेट की. विन्यासा जी सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही हैं. डॉक्टर कुसुम मलिक जी कोई तो इनका सर, आप केस टेकिंग करिए विन्यासा जी, लेकिन कन्नड़ मत शुरू कर दीजिएगा. सर इट्स ओके सर, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. कुसुम जी करेंगे. इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं. विन्यासा जी इंग्लिश में भी केस टेकिंग कर सकती हैं आप. हेलो. हाँ जी. हेलो. नमस्ते मैम. नमस्ते मैम. मैम एक्चुअली व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम मैम, व्हाट इज द प्रॉब्लम मैम? फ्रॉम ऑलमोस्ट 1-3 months एवरीवन हु सीज मी दे आर टेलिंग दैट यू आर बिकमिंग वेरी वीक, योर फेस इज नॉट हेल्थी लुक. But I am having some issues with the digestion also, ma'am. I am having severe gastritis also. Some health issues are also there, but I have not gone for any blood checkup or anything, ma'am. Ma'am, actually, which is the place you stay in Karnataka? Bangalore. 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 Yeah. What is your working hours, ma'am? I usually go only when patients come, ma'am. Only on phone contact they will contact me, and only when they, if I give timings, they will come. Only at that time I am having my own clinic in my basement, ma'am. 1 BHK house is there. I am seeing there. That's all. How is your acne status, ma'am? Like whether you feel hungry? Yeah, sometimes I'll feel hungry. Sometimes I won't. Totally, my dinacharya is totally upset, madam. Because I'll sleep late in the night. I get up, depend upon my children's schooling, I'll get up early or I'll be late. Saturday and Sunday, I'll be get up late. Totally, dinacharya is totally haphazard, really going on, ma'am. Oh, I think at morning, at what time you get up, ma'am? Usually at 6:30, I'll be get up, ma'am. Only on Saturday, Sunday, it will be around 7:30, like that. Okay, once you get up, like what is your routine, whether I'll be having one 100 or 150 ml of water as soon okay. as I get up. I won't brush okay. When soon after I get up, ma'am, because if I brush, no, acid secretion will be more and I'll feel gastritis very soon. Okay. Only gastritis means like when you brush, you feel like vomiting. Pitta, no, I won't feel like vomiting, madam. Only the secretion will be there. I'll be feeling sometimes hungry and I'll be feeling burning sensation in my stomach. I feel something. Like once you brush, you feel. Yeah, yeah. Thing. Yeah, if I won't brush even till afternoon, I'll be okay. Even if I won't take also. I have observed that and I stopped. Whenever I take breakfast, before that, I will brush my teeth and I will immediately take off. Okay, okay. What is the food pattern, ma'am? What will actually you take every day? Like every day morning, nowadays I'm taking only rice because my son is taking lunch, ma'am. Because he'll be having, so I'll prepare only rice items morning. Even afternoon, very rarely we take chapati, only week or only once or twice a week. That's all, ma'am. Okay, salads will be there in your diet? I won't take salad. I don't drink milk and curds and butter. Milk products I won't take, ma'am. From the childhood, I have not taken it, ma'am. Okay. Like when you cook a sabji, prepare any palya or something, it will be like liquid one or dry one? Sukha one or dry, like liquid? Usually it will be dry, madam.
dry, madam, because I'll be having with rice and sambar, no? Okay. Ma, okay. In sambar, when you take a sambar with rice, you prefer more sambar with rice or less sambar? No, madam, I won't take more. Usually, I take whatever is necessary, that's all. I won't take much sambar and everything. Okay. What others in the, like whether your bowels are regular, ma'am? No, madam, I won't get to, because I won't be having a regular properly diet, madam, because I won't be taking a lunch and breakfast in proper time. Yeah, so my evacuation will also be changing. Like every day you go evacuate? No, I won't be passing every day. You'll be constipated most of the no, time? No, I won't feel like that. Sometimes I'll be feeling, that's all. But if I go, I won't be feeling fresh, madam. I won't feel that it is fully evacuated, that's all. Okay, ma'am. Like mala will be more sticky or watery kind? Depends, ma'am. Semi-solid sometimes. Sometimes it will be sticky. Sometimes it will be little hard, not so hard. Like that. Okay. I'm having Hashimoto thyroiditis from 5 years, I think. It was diagnosed as that. Okay. You are taking medication for that? Any medicine at present, ma'am. From the day, I have not taken any medicine. Okay, okay. Like you complain that you are feeling, you are losing weight or something. Like from how long you are feeling that? Ma'am, because I was not feeling so, but usually if I see at the mirror, I used to feel that I am losing little weight, that's all. But my relatives, when they saw me after a long time, they're telling me like that. Okay. Sometimes you have a constipation, sometimes your motion will be normal. Like it will be constipation watery, only if I travel, madam, and if I won't, adjust or stopped, then only I'll feel constipated, that's all. Okay. Constipated means the first evacuation will be hard, that's all. Okay. These all problems, when it started, ma'am? Like, from how long you are suffering from this whole thing? I think from my diet is not irregular, madam. When I was studying, I was more on fast food, the chats and something. Whenever I was feeling hungry, I used to eat that only. Okay. Hostel life was there, no, madam. There was no such facilities for me. From then onwards, I used to prefer very dry items. That's all. I used to have chapati almost for even for breakfast, dinner, like that for some days. When I was in Denmark for 2 years, we were there, ma'am. At that time, I and my son used to have chapati only, more. Okay. Whenever I eat chapati, it won't get digested, ma'am. Okay. I feel burning sensation in my throat. Even if I take tomato more, like tomato gochu will prepare, no? If you prepare that and have it, I will feel the burning sensation in my throat. Okay, okay. You used to prefer more, like when you were in Denmark or some place, like whether you used to prepare idli batter, dosa batter and keep in a fridge no, for madam, a long I time? No, madam, I prepare only once in a week, that's all. Dosa batter, only once in a week, that's all. Like we won't eat dosa and idli, I won't prepare only, madam. Only dosa. Okay, okay. Like at what time you used to sleep, ma'am? And what, I need to ask one question. When you will take night food before, like when you were suffering? Like usually some, I have done the mistakes, madam. Usually I take at around 8:39. I used to sleep 1.5 hours later. Sometimes I used to take food and I used to sleep only. Sometimes I used to wake up till 12 o'clock. Okay. The morning 12 o'clock, in the afternoon 12 o'clock. No, madam. Night 12 o'clock. I used to sleep in the daytime also. Okay, okay. By nature, I'm a little bit lazy, I think. Okay, okay. If ma'am, now you have mala avastamba, like you feel like it's not means your bowels are not regular. You feel like whether it is quite constipated, some part will be gone. Like no, madam. Usually, I won't feel that whenever I travel, and if I
vega avarodha, if he is done only, then only I'll feel constipated. That's all. Only the first passing will be hard. That's all, ma'am. Okay. Do you have any micturition, like burning micturition as such problem? Before sometimes you... I'll be having, madam. That's all. I'm okay. 43. It will be frequent. Yeah, yeah, sir. Ma'am, it will be frequently for 1 month or 2 months once? No, not like that. Once in a week or 15 days once. Like that, some... if I take intake of water is more, then it will be okay, madam. Okay. If it is, if I won't take water properly, then only I feel so. Okay. Ma'am, your sleeps are not regular, I feel, right? No, madam, I am not sleeping in the night because I think 6 or 7 years back, my husband was suddenly, he woke up in the night and he was something... feeling discomfort, and we used to we took him to the hospital from the and he was diagnosed with high BP and sugar, but within 1 month he came to normal. At okay. that time, because of that incident, I am a little bit very conscious at night, and even my sister, my mother-in-law also had cardiac arrest at the night. We took her also at around 2:30 to the hospital. Because of that incident from my second son's birth also, I'm not sleeping in, properly at night. I won't get deep sleep. If I sleep in the morning, I will sleep very well. Without any tension, I'll be sleeping. But night, I won't get sleep, man. Okay, okay. Something I'll be... Even you have an air fall problem, ma'am, now? Air fall problem is there? Yeah, a little bit is there, ma'am. Air fall is also okay. there. Sir, ma'am, whether you have burning sensation of foot and hands? No, madam, I won't feel. I'll feel any sweating, sweating. No, madam. I feel sweating. Cold. Cold, cold. Yeah, yes. yeah. Sometimes when weather will be chill, only the extremities will be little bit cold, madam. That's it. Nothing more than that. No, ma'am. Oh, now I am getting pain in my joints also. Yeah, yeah. Joined like from last 15 days or 20 days, right, ma'am? No, madam, from almost 1 or 2 months. From last 2 months. Okay. Yeah, yeah. You take tea, coffee frequently, ma'am? No, ma'am, I won't take tea and coffee. I won't drink at all. Means not now, before, like when you before were... Before, I used to take very rarely, madam. Once in a day, I used to take almost 10 years before, I used to take only one glass. Only when my second son and during pregnancy and after birth of my sons, I have taken the milk. That's all, ma'am. I have not taken even milk. If I take milk, that will be due to acid. No, it will become curdle and I feel very discomfort after taking milk. Okay. In empty stomach, if I take. Hello. Ye Dr. Munish Sharma ji ne pucha hai, which toothpaste? Iska kya role hai? Toothpaste ka kya role hai? डॉक्टर मुनीश शर्मा जी आपने एक क्वेश्चन पूछा इसका मुझे समझ नहीं आया सर प्रणाम सर आपने टूथपेस्ट का पूछा ये मुझे समझ नहीं आया सर टूथपेस्ट का ऐसे है कि जैसे कई लोग कोलगेट करते हैं उसके बाद ना मुंह में एक स्वीटनेस रहती है तो या फिर नीम का करते हैं तो उससे थोड़ा फ्रेशनेस रहती है ऐसे जितने भी ये टूथपेस्ट है ना इनका अपना एक इफेक्ट आता है मुंह में अच्छा। और उन सब चीजों से किसी किसी को ना सेंसिटिव भी होता है किसी को सुनीता मैम विच टूथपेस्ट यू आर यूजिंग सर आई यूज्ड टू यूज क्लोज अप अर्ली सर माय सेंसिटिव टूथ वाज देयर सो आई यूज्ड टू यूज कोलगेट सेंसिटिव नाउ आई एम यूजिंग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ओनली विच वन निंबोदर आई थिंक सो नंबोदरी 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 दैट्स ऑल मैम इनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछिए ना आप पूछिए ना आप ही पूछे ना अपनी मैडम सर सर मैं जरा बिजी हूँ थोड़ा इसे आवाज आए मैम लाइक ओवर योर साइकल्स मैम इट वाज रेगुलर मैम बट फॉर 30 डेज साइकिल वाज देयर मैम फॉर मी ओके नाउ फ्रॉम 1 year आई थिंक सो आई एम गेटिंग लिटिल बिट अर्ली आई एम नाउ 43 नियरली 43 44 सॉरी नाउ आई एम 44 इयर्स नियरली सो आई एम गेटिंग लिटिल बिट changes I'll be having menstruation for almost 8 to 9 days but only 2 to 3 days it will be heavy but after that it will be only little only spotting will be there ma'am that's all now you are getting for 40 days
No, from 6 to 7 months. Okay. I'm still on copper tea, ma'am. Okay. Ma'am, whether you get irritated for small, small things? Like, Yeah, I feel sometimes, ma'am. I feel. small, small things, like it may be anything, sound ज्यादा हो गया और कुछ छोटा Not छोटा so एक irritated, madam, only when my children will quarrel like that time. सर हेलो मैम. हाँ जी बताइए, आपको संप्राप्ति सर क्या लग रहा है? सर ऐसे कुछ सर नहीं लग रहा है. हेलो क्या माधुरी मैम क्या बोल रही हैं आप? माधुरी मैम कुछ बोल रही थी. विन्यासा जी आप बताइए. सर मैं मुझे ग्रहणी दृष्टि लग रहा है सर मुझे भी और विदग्ध पित्त बन रहा है सर और वात पहले वात का संप्राप्ति बना है. वात के वात से क्या हुआ है? अपान वात का दृष्टि हुआ है. अपान वात से समान वात का दृष्टि हुआ है सर. समान वात में वो चिंता और रात्रि जागरण से विदग्ध पित्त बना है सर. विदग्ध पित्त से वो क्या हो रहा है सब लाइक बर्निंग मिचुरेशन ये सब सब विदग्ध देखिए, ये रात संप्राप्ति. को जागते हैं और दिन में सोती हैं, ये यस पूरा सर यस बायोलॉजिकल सर. क्लॉक और गड़बड़ है. कफ का भी संप्राप्ति वो बना हुआ है सर. और रस क्षय हो रहा है. रस का आम रस बन रहा है इसमें. विदग्ध पित्त सर कंप्लीटली विदग्ध पित्त हो रहा है. और मैम आपको एनी अर्शस का इश्यू है क्या? अर्शस नो मैडम आई सच नो मैम. माय फूड इज नॉट डाइजेस्टिंग नाउडेज. आई देखिए फील सो देखिए, इन्होंने बोला ग्रहणी दृष्टि, फूड नहीं डाइजेस्ट हो. कंप्लीट इफ कंप्लीट आई टेक सम हेवी लाइक समथिंग इफ आई टेक इट इफ आई टेक रेगुलरली द व्हाट एवर आई डू आई प्रिपेयर एट होम मैम इट विल बी ओके. व्हेन आई ईट स्पाइसी एंड समथिंग आई विल फील डिस्कम्फर्ट. आई थिंक आई एम हैविंग द इश्यूज विथ माई डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली आई थिंक. यस जी, अब इसमें ट्रीटमेंट कौन बताएगा? सर मैं ही बोल सकती. आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, बस कन्नड़ मत बोलिएगा, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं है. सर आप बोल दीजिए सर. इसके बाद हम लोग बोलेंगे. आप बोल दीजिए सर इसमें पहले तो जल्दी. इनका ना स्लीप पैटर्न ठीक करना पड़ेगा. इनको सबसे पहले आप विन्यासा जी अपने पास बुला के नस्य दे दीजिए, या नस्य का सर ऑयल भेज देंगे. नस्य जरूरी है इनको, ओके जिससे इनको नींद अच्छी आए. सबसे पहले नस्य जरूरी है, और इनको 8-9 बजे सो जाना है, और मॉर्निंग में जल्दी उठ के माधव निदान की क्लास में आना है डेली. हमारे जो सिख मैम, कैन यू अंडरस्टैंड अवर हिंदी? Yeah, sir. I understand some little words I could not follow, but particularly some words I can't understand. But still, I can understand whatever you teach. I हाँ, have seen in Facebook also, sir. I'll be going अभी through that अभी video. मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सभी लोगों को हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ आता है. दे Yeah, कैन sir. I can अंडरस्टैंड हिंदी. understand some words. I won't be catching up. यू कैन That's all. आस्क, यू कैन आस्क. Yeah, okay, sir. हाँ, तो क्या है ना कि इनको सबसे पहले स्लीप पैटर्न अच्छा करना है. इवनिंग में इनको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, तो सबसे पहले नस्य देना है इनको, और वो भी शीरबला तिल का नस्य, से इनको अच्छे से नींद आएगी. विश्वनाथ जी आपके पास नस्य का है ड्रॉपर, तो इनको दे हाँ सर दीजिए, और 15-15 ml इनको नस्य दीजिए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो स्लीप पैटर्न अच्छा हो गया, और सुबह जल्दी उठेंगी ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो एक एक प्रोसेस शुरू हो गया. दूसरा, इनको ग्रहणी दृष्टि पे काम करना है, तो आप इनको आरोग्यवर्धिनी वटी, या लशुनादि वटी, या आम पाचक वटी, या पर्पटी कल्प ऐसे दीजिए, आसवरिष दीजिए, और पूरा ग्रहणी पे इनका चिकित्सा करिए, पूरी तरह से सर ठीक हो आई जाएंगे. वाज टेकिंग आरोग्यवर्धि वटी एंड सूतशेखरा इन द बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर सर. बट जी माय ड्राइनेस वाज मोर बिकॉज आई वोंट टेक मिल्क विथ आरोग्यवर्धिनी वटी. नो जी आई फेल्ट सो एंड आई डिसकंटिन्यूड आरोग्यवर्धिनी वटी बट आई एम टेकिंग सूतशेखरा डेली मॉर्निंग वन एंड नाइट ऑल्सो वन. जी तो सबसे पहले हमें स्लीप को ठीक करना है, और फिर ग्रहणी दृष्टि करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो पेशेंट पूरा ठीक हो जाएंगे, पूरा अच्छा हो जाएंगे. और विश्वनाथ जी, आप इनको मॉर्निंग में लेके आया करिए ना. ये बोल हाँ रहे हैं सर कि मैंने 20 ईयर्स बैक BMS किया था, फिर अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो क्यों नहीं कर रही है? इतना इंटेलेंटेड, इतना जीनियस है मैम, ये अभी इतने पेशेंट ठीक करने वाली है, मालूम है क्या आप लोगों को? हाँ सर, इसको एक्सपीरियंस भी है सर, बहुत वही कुछ तो. काम किया है सर इसने. यहाँ तो योगवाना हिल्स का एक सेंटर है सर कर्नाटका में,
वो बहुत फेमस सेंटर है, उसमें भी वो काम किया है सर बहुत। वहां तो हर रोज 50 पेशेंट रहते थे, उसको हैंडल करती थी वो। तो अभी इतने दिन बच्चों के लिए, फैमिली के लिए डिवोट कर दिया ना, अब अपने लिए करना है क्योंकि इतना क्वालिफाइड डॉक्टर है। सर आई एम ट्राइंग, सर आई एम ट्राइंग दैट जी। अब फैमिली को दे दिया, अब बस अब आप करियर में आइए और अच्छा काम करिए बहुत। या सर ओनली आफ्टर 2-3 मंथ्स आई विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर दिस बिकॉज़ माय सन इज इन 10th स्टैंडर्ड नाउ सर। He will be finishing exams in April. Then only I'll be concentrating more, sir. जी अभी देखिए नवजोत कौर मैम इतने साल के गैप के बाद आ रही हैं, बेटी को एडमिशन करा दिया MBBS में और उसके बाद अभी प्रैक्टिस शुरू कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेट नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं जी। सर, सर, आप लोग बताइए अब। सर लवण भास्कर चूर्ण ऐड कर दिया सर। लवण भास्कर चूर्ण, हाँ ओ इसमें वो क्या मलावष्टम्बा में भी ऐड करेगा और उनको विदग्ध पितक को भी ठीक करेगा जी। और आपका वासागुड उच्चादि कशा है, फल त्रिकादि वासागुड उच्चादि कटु पटो रोहिणादि पटोल कटु शतावरी शतावरी चूर्ण वो प्रवाही वो वात का भी पहले शाम करेगा, शतावरी चूर्ण कीजिए। और प्रवाल प्रवाल नहीं वो कपर्दिक भस्मा जी, वो विदग्ध पित्त को शोषण करना है अभी तो अविपत्ति कर कम डोज में विद शंख भस्म और कपर्दिका भस्म दो ऐड कीजिए सर। लाइक अविपत्ति कर 2 ग्राम और शंख भस्म 2 mg ऐसे समान काल में दे दीजिए, समान काल में खाने के बीच में। और सूत चेकर ऐड कीजिए और भूनिम्बादी कषाय बहुत अच्छा काम करेगा इसमें, वो विदग्ध पित्ता ही बोल रहे हैं लाइक मुझे ऐसे ही लगा एक्चुअली। और तो ऐसे दिनचर्या रात्रिचर्या अच्छा कर दिया ना तो 90% तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। और भूनिम्बादी कषाय ऐड कीजिए सर। और उसके बाद 10 डेज के बाद एक दारिमादी ग्रुत को प्रवाल पिस्ती के मिक्स करके समान काल में दे दीजिए, वो आई थिंक शी विल बी नॉर्मल विद इन 15-20 डेज। सुनीता मैम आपका टंग दिखाइए ना, टंग कामता है सर जी। और ड्राइनेस भी है क्या, जॉइंट पेन और सर जॉइंट पेन इज देयर आई थिंक आमा इज मोर इन माय बॉडी आई फील सर जी। तो देखिए भूनिम्बादी कषाय भी लैक्ट भूनिम्बादी कषाय भी लैक्ट फॉर बोथ मैम, आम पाचक भी करेगा और पित्त भी शमन करेगा। So you have take this and after that you go for grutpan after 15-20 days niramavastha aa jayega aapko uske aur mal bhi theek ho jayega saman kal mein hi dena hai lena hai sabko uske baad aap grutpan ko shuru kijiye ma'am uske like if you are feeling any joint pain you take some valuka sweda for sthanika rukshana ke liye abhi kuch apply nahi karo like joint ke liye like no madam I usually won't apply anything आपने जो वीडियो दिखाया था तो वो आपके मोबाइल में है क्या, आपका वीडियो? हाँ सर। तो मैं आपको कोहोश बनाता हूँ और आप सबको नस्य दिखाइए कि आपने कैसे नस्य दिया आज। जी सर आज दूसरा दिन है, बहुत अच्छे से दिया सर। आप शेयर स्क्रीन करिए और वीडियो ऑन करके वो शेयर करिए, सब लोग देखेंगे कि मनीषा मैम ने 30 ml का नस्य दिया शीरबला तिल का, सब लोग देखिए और सुनीता मैम के लिए भी यूजफुल रहेगा जी। मनीषा मैम सर आपको पोस्ट भी की थी मैं, मुझे की थी लेकिन लोगों को भी दिखाना है ना, सब लोग को इंस्पायर करना है। शेयर स्क्रीन में ऑप्शन दबाइए जी सर, शेयर स्क्रीन जी जी थोड़ा आप लोग देखिए मनीषा मैम ने कितना एक्सपर्ट का क्या हो रहता है रोल, कितना बढ़िया किया आज। आप शेयर स्क्रीन दबा के और नस्य दिखाइए सब लोगों को। आ रहे तो बताइए नहीं तो हम लोग कुछ और बात करते हैं। तब तक अंजना मैम आप इनका ट्रीटमेंट कुछ बताएंगी, आप अगर बताना चाहती हैं तो, अगर अंजना मैम सुन पा रही हैं तो। नमस्कार सर सभी लोगों को जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। हाँ मैम बहुत अच्छे से है, तो आपके बारे में सारी बातें हुई है, थोड़ा सा क्योंकि आपकी जो एज है वो थोड़ी पेरिमेनोपॉजल में भी जा रही है तो कुछ चेंजेस बॉडी में इस एज ग्रुप में आती है ना। या मैडम ओनली 2 डेज आई विल बी हैविंग हेवी ब्लीडिंग दैट विल आल्सो विल बी लिटिल बिट लाइक क्लॉटिंग ओनली
Now, when I am taking this Sutshikra has started, ma'am. Last period, it was a little bit okay. Only whenever I used to go for my urination, then only I used to feel more like going. For pad, it was very less. But this time, the period was okay. It will be only for 2 days, ma'am, heavy. But before that, for 5 days earlier, I'll be seeing some spotting. Then I'll come to know after 5 days, I'll be having my periods. And after my periods, even it will be continuing for 5 days. Only little, that's all, ma'am. Like discharge will be going, no? Like that, it will be there. It won't be for a pad, it won't be there only, ma'am. What about previous menstrual history? Yeah, everything was normal, ma'am. It was irregular. I used to have my periods every 30 days. My cycle was every 30 days, ma'am, earlier. When I was 13 years, I got first menstruation, ma'am. After that, it was irregular. Only for 1.5 months, I used to get my periods. After marriage, it was very regular, madam. Every 30 days, I used to have my periods. Now, still, I'm having my copper tea, ma'am. I have not done any this one, ma'am. Yeah. What yeah. about weight? What, ma'am? Weight. I was 61. Now I have become 59. Yeah. Last when height? I checked, it was. Height? I'm 5'4, ma'am. 5'4. Yeah. 59. 59. Yeah, ma'am. I was 59. Now I am 59, ma'am. Yeah. Okay. Earlier I was 64, ma'am. Gradually from almost two and a half years. I was 63, 64, then I came to 61, 62, like that only. Now I am 59. Yeah. So actually, सबसे बड़ी problem आपकी lifestyle पर है. Lifestyle थोड़ा सा change करो ना. दिनचर्या आपकी proper होना चाहिए. आप तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हो और आप जानते हो कि आपके hormones भी थोड़ा सा इस एज में हम लोग क्लाइम उसमें थोड़ा changes होती है ना life में. After 40s वैसे भी body internal changes होती है. एक्सटर्नल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ आपको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है ना. आप सुबह उठिए, उठने के बाद ओम का जाप करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए, है ना, और उसके बाद थोड़ा सा टहलिए, है ना. टहलने के बाद थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो जैसे अभी मैम ने बता भी दिया है. आप ऐसा ले सकते हो दाढ़ी मस्तक, जैसे मैडम ने बोला कि दाढ़ी मस्तक चून ले सकते हो. उसमें अगर चाहते हो तो थोड़ा सा पंचतीर्थ घृत आप मिला सकते हो दाढ़ी मस्तक चून के साथ, और थोड़ा बरुण शीघ्र पाथ आपको यहाँ जरूरी काम करेगा, अच्छा काम करेगा आपको. बरुण शीघ्र पाथ कषाय, वरुण वरुण आदि कषाय, वरुण आदि कषाय, वरुण शीघ्र कषायम ना. तो इससे क्या होगा, श्रोत्र शोधन होगा. थोड़ा श्रोत्र शोधन होना बहुत जरूरी है. श्रोत्र अवरोध हुआ है आपको, श्रोत्र शोधन होगा. और उसके बाद अगर आप आरोग्य मदनी से ठीक फील नहीं कर रहे हो तो कुबेर अक्षादी ऐड कर सकते हो. Okay. खाने से पहले 2 गोली कुबेर अक्षादी मॉर्निंग और इवनिंग में आप ले सकते हो, ठीक है. और उसके बाद जो है थोड़ा सा आप सूर्यशेखर आपने बहुत अच्छे से लिया है, और सूर्यशेखर के साथ जैसे मैडम ने बताया है, सूर्यशेखर के साथ ये जैसे कालमेघ का यहाँ रोल है, बहुत अच्छा रोल है. कालमेघ चून या फिर कालमेघ घासक जो भी आपको लेना चाहे आप ले सकते हो. कालमेघ आपको यहाँ इफेक्ट करेगा, ठीक है. तो भूनिम भी जैसे कह रही थी ना मैडम, भूनिम कह रही थी, मेरा भी वही फेवरेट है. लेकिन मैं साथ में थोड़ा सा आपको चाहूंगी कि आप यहाँ कुटकी की टेबलेट या कुटकी का पाउडर कुछ कम मात्रा में लीजिए, लेकिन लीजिए. एक मिनट आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट पॉज करिए, ये देखिए मैम कैसे कर रही है नस से. जी मनीषा मैम. जी सर. आपका स्क्रीन पे दिख रहा है सब लोगों को, आप लोग का दिख रहा है क्या मैम का, मनीषा मैम कर रही है, वीडियो नहीं है क्या? यस सर दिख रहा है. मनीषा मैम आपका वीडियो नहीं है क्या इसमें? है सर. तो वीडियो चलाइए ना. जी वो लोड हो रहा है. ठीक है ठीक है. आपने कितना दिया और किस पेशेंट को दिया? सर स्ट्रेस वाले हैं और काफी पुराना उनका प्रॉब्लम है, 10-11 साल से जी. और उनके एक और है वीडियो इसमें सर, 1 मिनट. तो उनको हमेशा वो विक्षिप्तता रहती थी, बहुत ज्यादा वर्क लोड भी है और उसकी वजह से उनको ग्रहणी दुष्टि भी थी. कुछ भी वीडियो डाल ना उसमें, है ना तो इनको अभी मैं अणु तेल से दे रही थी सर, तो 5 से 5 ml
से 7 ml मुश्किल होता था देना, लेकिन मुझे 2 दिन से मेडिसिन आपकी मिली और इसको मैं आज फर्स्ट टाइम ही 30 ml मैंने इंजेक्ट कर दिया और इजीली ले लिए सर, कोई परेशानी नहीं, आराम से लेके और बहुत अच्छे से गए। इसके बाद सेकंड को भी मैंने दिया है, उसका भी वीडियो मैं डाल रही हूँ और वो भी बहुत अच्छे से ले गए। उनको भी बहुत ज्यादा, वो तो एंजाइटी में थे सर, वो कई बार बहुत मुश्किल हो रहा था उनको अपना जॉब भी करना और जिम वगैरह भी किए थे, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसका मैं बोली थी विरेचन कराई हूँ, 24 times हुआ था उनको सर, 22 times तो मेरे को कम किए थे, आने के बाद 2 बार और हुआ था और बहुत अच्छे से विरेचन भी लिए, अभी अपना शिफ्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और ये नस उनको बहुत अच्छा लगा सर, उनको खालित्य भी था। एक और है ना वीडियो डालना ना उसमें, तो ये 2 patients को मैंने आज कंटिन्यूसली दिया मैम सर। और कितना क्वांटिटी में दिया सर? पूरा पूरा बॉटल आपका जितना ml का आता है सर, 15 ml का आता है जी। तो बहुत अच्छे से लिए और कल तो मैं खुद ट्राई की थी तो बिल्कुल तीक्ष्णता नहीं थी सर और बहुत अच्छे से गया, बहुत बढ़िया से। तो विश्वनाथ जी आपको सुनीता मैम को भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली सर जी, ये वीडियो ऑन नहीं हो रहा है जी सर। सर आई हैव सीन दैट सर, विश्वनाथ सर हैड सेंड मी, आई हैव सीन द नसिया आल्सो। हां ठीक है, अंजना मैम आप कंटिन्यू करिए तब तक ये मैम ला रही है वीडियो। अंजना मैम आप बताइए, आप बता रही थी बहुत बढ़िया। अंजना मैम शायद अंजना मैम कनेक्ट नहीं हो पा रही। जी सर आप बहुत बढ़िया बता रही थी। हाँ सर मैं यही बता रही थी कि जैसे सूर्यशेखर रस उन्होंने लिया उसके साथ थोड़ा सा कालमेघ और कुटकी का चूर्ण भी इनको चाहिए, कालमेघ और कुटकी या चिरायता और भुनिमबादी चूर्ण मैडम ने बोला ही था, उसमें थोड़ा सा कुटकी को भी मिलाना पड़ेगा और उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा मेरा फेवरेट यहाँ पे कुमारी आसव रहेगा, कालमेघ आसव नहीं ले पाएंगे तो कुमारी आसव रहेगा उसके साथ में चूर्ण के साथ में। और बाकी जो है मैडम थोड़ा सा खाना खाने के बाद जैसे ये ले लेती हैं तो उसके बाद जैसे हमारे शास्त्र में बताया और आप सब जानते हैं कि आपको थोड़ा सा चलना बहुत जरूरी है और आपको थोड़ा मानसिक रूप से स्ट्रांग होना होगा क्योंकि आपने लाइफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। आपने जो है एज ए डॉक्टर भी बहुत अच्छे से, जैसे अभी सर बता रहे थे हारून सर सारी बात आपके, विश्व जी सर आपके बारे में सारी बता रहे थे, विश्वनाथ सर मैसूर से बहुत अच्छी बात बता रहे थे, आपने इतना सारा इतने अच्छे हॉस्पिटल्स में काम किया है तो आपको अपने पुराना सारा जो आपने वर्क किया है एक बार उसको पूरा याद कीजिए मन लगा के। ये देखिए नस्से का वीडियो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ सर अब आ रहा है। ईशा मैम कितनी इंटेलिजेंट है, ये डाल रही है माँ की तरह और बच्चा ले भी रहे पेशेंट। पूरा नाक से पिला दिया तो सुनीता मैम आपको भी ऐसे ही नस्य करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर स्लीप आएगा। ओके सर, सारा वात प्रकोप जो है ना वो सब शांत हो जाएगा आपको, प्रॉपर स्लीप आएगा, माइंड एकदम स्टेबल हो जाएगा आपका। या सर जी, ये देखिए मनीषा मैम आराम से डाल ली, 2 मिनट में पूरा खत्म 15 ml। अटक सर जी, जी ये नशे के बाद कितना देर रहना होता है ऐसे पोजीशन में, 5-10 मिनट या ज्यादा? मेरे पास तो अनुरीता मैडम आती है 2 मिनट बस। देखिए मैम हंस भी रही हैं, देखिए हो गया। और इसके बाद कभी समझो ज्यादा छींके आए ऐसा कुछ हो तो क्या? नहीं ये मेरा वाला तेल है, शीर वाला तेल मेरा वाला है, इसे छींके नहीं आती है सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर, कोई इरिटेशन नहीं है, बहुत स्मूथ है, मतलब घृत जो लेते हैं उससे भी ज्यादा इजीली चला जा रहा सर। और मेनोपॉजल डिसऑर्डर में जैसे मैंने मैम ने बताया इसमें बहुत कारगर है सर, शिरोधारा और नस ही दे दिया जाए और मैम की जो दवाइयां उन्होंने अभी जो बताई तो ये सारे प्रॉब्लम एक साथ रिकवर होते हैं और नई स्फूर्ति आ जाती है। और हम सब तो इससे जा चुके हैं सर, हम लोग तो 50-51 ईयर में ये सब प्रॉब्लम से सभी ग्रसित रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है उनको, तो जस्ट मैं 55 रनिंग हूँ मैं, तो मैं अब
वन टाइम मैं वर्क करती थी तो वन टाइम मैं रेस्ट लेती थी, कुछ घर में भी हेल्प करती थी, बट सर जब से मैं आयुष दर्पण को ज्वाइन की हूँ मैं अभी तक क्लिनिक में ही हूँ और अपने क्लिनिक में ही अभी वर्क भी कर रही हूँ जस्ट। और मनीषा पता नहीं डबल डबल स्फूर्ति आ गई है सर। और मैम आप और आपने खुद नस से लिया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, मैं नस से लेके बैठी भी हूँ मैं और अभी काम कर रही हूँ, कुछ पेशेंट को मेडिसिन बाहर भेजनी रहती है तो उसी की सब पैकिंग करा रही। देखिए शास्त्री सर इन्होंने नस से लिया और बैठी भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा जब नस लेते हैं मुंह खुला रखते हैं तो कभी मुंह में आता नहीं, समझो 5 मिनट लगेगा तो मुंह में थोड़ा तो आता है ना सर, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा यदि कफ का तो आएगा तो अच्छी बात है, वो तो जो गया वो आएगा ही तो उसको देना है, उसका निकल जाना है थोड़ा निकलना नहीं है उसको, आपको एसटी मधु त्रिफला ये सब पाथ बना करके अच्छे से गार्गल ले लेना है तो स्रोत भी खुल जाते हैं और फिर आपको इजीली इंटेक भी होता है सर। मैं गार्गल करवा देती हूँ जैसे कुछ मुंह में आया तो, और श्वास प्रश्वास की अच्छी क्रिया भी चलती है जैसे हम लोग नीति लेते हैं नीति कराते थे तो वैसे में कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो दोनों पेशेंट इजीली गए सर, मुझे बल्कि गले में आया बट उनको कुछ नहीं, और पहले उनका अणु तेल का नस हो चुका था शिरोधारण से और बिल्कुल हेल्दी है सर उनका, तो मैं वीडियो भी बनाई हूँ छोटा छोटा और भी तो, क्योंकि बहुत 2-5 मिनट तो लगती है तब तक मुंह खुला रहने से थोड़ा ड्राई होता है ना तो मुंह से ऑटोमेटिक थोड़ा नहीं होता सर, वो तो ड्राई कैसे होगा, वो तो हमारे उसमें जा रहा है ना स्निग्ध हो रहा है, कोई ड्राई नहीं होगा। मुंह से सांस लेते तब 5 ml का लीजिए, 5 ml लीजिए शुरुआत में, कुछ नहीं होता सर। मैम सिर्फ बेड से नीचे रखना है, बेड पे रखना है 90 डिग्री पे इसको ऊपर करके लेंगे हल्का सा, मुंह से श्वास लेना है हमको, नेजल से वो अपना वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के मेडिसिन का। मेरा जो तेल है ना 101 आवृत्ति वाला है और सस्ता भी है, मार्केट में यही 18,000 रुपए लीटर है, मेरा 2,500 रुपए लीटर है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजना मैम को आप कंप्लीट करने देंगे, आप बीच में नहीं रुकेंगे। अंजना मैम आप पूरा कंप्लीट कर दीजिए। हो गया सर, थोड़ा सा सुधा वर्ग इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैडम की जो हिस्ट्री है वो कभी भी दूध वगैरह नहीं ली है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी नहीं तो कुछ समय के बाद ये फिर ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में जा सकती है तो वहां से इनको रोकना है। तो अभी मैडम ने बहुत अच्छे से बता ही दिया कि नस से बहुत जरूरी है, शिरोधारा जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये तल हृदय मर्म को भी अपना हाथ और पैर दोनों को अच्छे से जो है मसाज करेंगी आपके छीर वाला तेल से ही करेंगी तो ये बहुत जल्दी ये नॉर्मल आ जाएंगी, और इनका मानसिक स्थिति भी इनकी कहते ना मनोवाही श्रोतस पे बहुत अच्छा से इफेक्ट करेगा। और जैसे मैडम बताई प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि, कुक्कुटांतक भस्म या मुक्ता शुक्ति मुक्ता पिष्टि, मैडम उसी हिसाब से आप अपनी मेडिसिन को सूर्यशेखर रस के साथ जोड़ लीजिएगा और उसके साथ में थोड़ा सा जो है आप अगर पॉसिबल हो अगर आप ले सकते हो तो फिर थोड़ा सा डाइट के अकॉर्डिंगली जैसे सोयाबीन वगैरह या जो हम फाइटोस्ट्रोजन्स को थोड़ा सा ऐड करते हैं जैसे मेथी दाना है या सोयाबीन का दाना है या शतावरी वगैरह है उसको जरूर से अपनी डाइट में ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक डॉक्टर रमन गर्ग जी ने हैंड रेज किया था, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? गर्ग सर, डॉक्टर रमन जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम, ये केस में आप कुछ बोलना चाहते हैं कि अलग केस है? नहीं सर अलग था, मदर के बारे में थोड़ा पूछ। ठीक है पूछिए। थैंक यू सुनीता मैम। अब विश्वनाथ जी आप सब समझ गए ना सर? हाँ सर, हाँ सब समझ गए सर। तो इनको शीर वाला तेल दे दीजिए ना ये। हाँ सर मेरा पास है सर, मैं भेज दूंगा सर। और ना आप इन मैम को रोज लाया करिए ना माधव निदान क्लास में। डेफिनेटली सर, एक्चुअली सुबह उसको टाइम नहीं होता है कि बच्चे को स्कूल को भेजना है इसलिए नहीं आती थी, अब से मैं बोल दूंगा सर आने के लिए। I'll be seeing your videos sir, everything I'll be seeing after recorded I'll be seeing sir, whenever I get time I'll be watching that। आपको मालूम नहीं है आप इतनी अच्छी डॉक्टर है ना, बेंगलोर में आपका प्रैक्टिस 1 नंबर हो जाएगा, इतना अच्छा आपको होगा, बस आप ट्राई करिए पूरा पहले 2-3 महीने में, उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू करिए। No sir, I'm doing my practice sir, but I'm not sitting continuously in my clinic because I have done it at home only. Whenever my patients are there, sir, 10 patients are there, they will be regularly visiting, then only I'll see them, that's all, sir. But I'm doing well for my family, sir, sir. That's more important for me. ठीक है। अंजना मैम। जी मैम।
जी मैम बताइए। प्रणाम मैम, प्रणाम मैम। मैम आमले की भी फाइटोएस्ट्रोजेंस में काम करेगा ना मैम? हाँ 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 मैम करेगा। ओके ओके। रमन गर जी आप पूछ लीजिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। रमन गर जी आप, हाँ जी पूछिए। सर मदर कल ना उनको लूज मोशन हो गया, इट इज 71 ईयर एज है उनकी, तो उनके उसके बाद मैंने थोड़ी लाइट सी मेडिसिन दी, मतलब ज्यादा स्ट्रांग नहीं कि एकदम कॉन्स्टिपेशन हो जाए या ऐसा कुछ। तो आज सुबह तक उनको लूज मोशन तो ठीक हो गई बिल्कुल जी, लेकिन उनको अभी कल से ही ऐसे लग रहा है कि जैसे जो भी कुछ खाया पिया कुछ ज्यादा तो है नहीं, लेकिन वो ऊपर ही रुका हुआ है जैसे चेस्ट के आसपास ही, मतलब खाने का मन नहीं। दीपन पाचन भी दीजिए ना सर। दीपन पाचन में सभी कुछ दिया है लेकिन किसी से कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा, कि हल्का सा भी रिलीफ मिले ना तो उसको कंटिन्यू कर लूंगा। ये लहसुन आदि वटी होगा, आम पाचक वटी होगा, आरोग्य वर्धनी होगा। आम पाचक वटी मैंने कल इनको 10 दिया, 10 टेबलेट दी थी। तो भूख नहीं पड़ा? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप इनको लंगन कराइए, यूस दीजिए या मंड दीजिए या टोमेटो सूप पिला दीजिए। हाँ जी, वो जो भी लेते हैं ना सिंपल पानी भी लेते हैं तो उनको ऐसे ही लगता है कि सारा ऊपर ही रुका हुआ है, वो उसकी वजह से उनको ऐसे लग रहा है कि वॉमिटिंग आएगी लेकिन आ नहीं रही। तो प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, शुद्ध शेखर रस दे दीजिए। शुद्ध शेखर रस भी दिया था जी, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो आप कुछ भी मत दीजिए, आप इनको वेट करिए, जब तक इनको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा तब तक कुछ मत दीजिए। रमन सर खाने का मन करता है जी, लेकिन वो खट्टा खाने को मन करता है, जैसे कोई संतरा हो गया, नींबू हो गया, संतरे का जूस दीजिए, नींबू का रस दीजिए। ठीक है जी, हाँ वो दिया। बॉडी जो मांग रहे वो दीजिए ना, नींबू का शरबत बना के दे दीजिए। सर दाढ़ी मादी ग्रिप नहीं देना, दाढ़ी मादी चूर्ण इसको काम करेगा ना? नहीं करता इनका को भी नहीं, वो भी खट्टा भी मन नहीं करता जी खाने को, बोल रही। सर यवागो करो ना सर, चिकटू सिद्ध यवागो और दाढ़ी मादी सिद्ध, दाढ़ी मास्टक सिद्ध यवागो खिला दीजिए सर। खाने का कुछ भी मन ही नहीं करता जी, मत दीजिए, कुछ नहीं मन कर रहा है मत दीजिए। इनको बोलिए कि मैं थोड़ा सा नींबू शरबत दूं। आप एक काम करिए, आप क्या करिएगा, आपके पास पुदीना है क्या? हाँ जी, पुदीना लीजिए और सौंफ लीजिए, काली मिर्च लीजिए और नींबू लीजिए और इसका शरबत बना के दीजिए। क्या क्या मैंने बोला एक बार बताइए आप? काली मिर्च, सौंफ, पुदीना और नींबू। हाँ, इसका शरबत बना के दीजिए, इतना टेस्टी लगता है ना, इतना टेस्टी लगता है। काली मिर्च दीपन पाचन करेगा, नींबू दीपन पाचन करेगा, पुदीना टेस्ट लाएगा और सौंफ है वो बहुत अच्छा काम करता है। इसका शरबत बना के दीजिए, मिक्सी में पीस के और अच्छा सा शरबत बना के दीजिए। अंबरधरा भी दिया था, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और आप भी शरबत पीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जी सर। हाँ रमन सर, वो भी तो चूस सकते हैं ना, नींबू को थोड़ा गर्म करके और उसको काले नमक के साथ वो जी। वो भी कर सकते सर, वो उनका मन ही नहीं कर रहा ना किसी चीज को, तो मत दीजिए, बॉडी को नहीं चाहिए मत दीजिए। तो वो पूरा जैसे उनको लग रहा है कि जो है अंदर, मतलब जो भी है, मतलब है ही नहीं कुछ वैसे, तो उनको लग रहा है कि उल्टी आएगा, वो आ नहीं रहा। तो मत दीजिए ना सर, नहीं मन कर रहा मत दीजिए, कुछ भी मत दीजिए सर। थोड़ा हिंगू, हिंगू है अच्छी वाली हींग। हाँ जी, टिकटू हिंगू। हाँ, उसका लेप कर दीजिए सर, नाभि पूरण भी कर सकते हैं हिंगू तेल बना के, और हींग के हींग नहीं तो हींग को पानी में घोल के और थोड़ा सा लेप करा दीजिए, नाभि के भी आसपास करा दीजिए, और थोड़ा सा जहाँ उनको फीलिंग हो रहा है कि हैवीनेस लग रहा है उस जगह भी, इपिगेस्टिक में और उसके पास स्टमक के पास करा दीजिए, आराम मिल जाए। रमन सर एक काम करो सर, त्रिकटू इंग और लेमन और साइंदव नमक मिक्स करके टंग में उद्घर्षण कीजिए सर, ब्रश से डाउन वन मूवमेंट जी। उसके बाद उनको सेंदव और लेमन 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 लाइक डाउनवर्ड एंड गिव इनसाइड आल्सो, लेट हिम टेक दैट। उसमें वो लाइक यू विल गेट द सेंसेशन, यू विल फील लाइक हैविंग फुड जी। मैम थैंक यू, बहुत अच्छा केस बताया आपने। डॉक्टर राय जी आप कुछ बताएंगे तो बताइए, फिर हमें सेशन थैंक यू एवरीवन जी। सर प्रणाम, सर प्रणाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। तो आपके वहाँ से प्रशांत भट्ट जी भी तो हैं? हाँ सर, वो मेरे सीनियर हैं सर।
वो बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। हाँ, मिलते रहते हैं हम लोग, संभाषा की बातें करते हैं जब ज्वाइन करने के बाद मिलते। हाँ, तो बताइए आप। सर मेरा एक पेशेंट है, उसको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है जी। और वो बीपी दवाई पहले 4-5 साल से ले रहा है। उसको सर आंखों के नीचे थोड़ी सी स्वेलिंग आई है जी, और हल्का सा कॉन्स्टिपेशन है। अभी मैंने उसको गुक्सुरादी गुग्गुल चंद्रप्रभा वटी बिक दोसर वटी और थोड़ा सा बर्निंग मिक्चुरेशन था सर यूरिन में, तो उसके लिए हमने चंदना सा दिया है। और सर इसमें क्या ऐड कर दें सर, आप थोड़ा सा बताइए सर। उनको सिम्टम तो बताया, क्रिएटिनिन बढ़ा है, लेकिन आपने सिम्टम नहीं बताया कि उनको क्या यूरिन हो रहा है कि नहीं, भूख लग रहा है कि नहीं, पेट साफ हो रहा है कि नहीं। पेट साफ नहीं हो रहा है सर, बाकी भूख तो लग रही है, यूरिन में हल्का सा बर्निंग सेंसेशन है सर। और ये ग्रहणी दृष्टि लग रहा है आपको कि मतलब खाना पच रहा है, कभी नहीं पच रहा है? हाँ नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऑकेजनली सर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो हरित की चूर्ण के लिए सर मैंने एडवाइस किया दिया है सर। अगर आप अच्छे से ठीक करना चाहते हैं तो तिक्तक शीर बस्ती और धन्वंतर तिल का बस्ती या शीर बला तिल का बस्ती शुरू करिए सर। जी सर, जी सर। जो आप दवाई दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ दवाई है, उसके साथ में बस्ती का रोल बहुत अच्छा है। किडनी को बल मिलेगा जब वात का शमन होगा, रीजनरेट करता है किडनी के नेफ्रॉन जब हम तिक्तक शीर बस्ती देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बताना चाहता हूँ जी, मैं सर निगम सर का स्टूडेंट रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पूरे बैच के सभी लोग बता सकते हैं, कभी कुछ सीखने को नहीं मिला सर उनकी इंटर्नशिप के दौरान या पढ़ाने के दौरान। जब से आपसे जुड़े हैं आईएएस दर्पण से, तब से बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं और थोड़ा करने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर जी। मैं भी सर काफी सीनियर रहे हैं, वो पीजी कर रहे थे, हम उस समय यूजी में थे, उज्जैन से उन्होंने किया है पीजी नवीन सर ने जी। तो हालात ये थे सर की नाम बहुत बड़ा था उज्जैन कॉलेज का, अच्छे टीचर थे, निगम सर थे और भी लोग थे, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान कभी बहुत ज्यादा ऐसा किसी ने कुछ सिखाया नहीं कि जो प्रैक्टिकली अपने उसमें प्रैक्टिस में यूज कर सकें, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर इस प्लेटफॉर्म से, आप लोगों से, आप लोगों के आशीर्वाद से जी। अभी तो आप पेशेंट ठीक करेंगे तब तो और मजा आएगा सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है सर। तो आप ये बस्ती दीजिए सर, फिर बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया, पॉजिटिव नेगेटिव। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये आईफोन करके कोई है जिन्होंने हैंड रेज किया है? आईफोन कौन है कृपया बताइए, अनम्यूट करिए। इट्स मी, प्रणाम पाठक जी। आप कहाँ थी डॉक्टर जी, कहाँ थी? आई डोंट नो, आपका जूम का आईडी और लिंक कुछ भी चल नहीं रहा था, आज फिर आपने दिया तो फिर चला, इसलिए नहीं आ सकती थी। आई ट्राई लास्ट बट इट्स नॉट हैपनिंग, सेम पासवर्ड सेम आईडी बट फिर भी नहीं होता था। पासवर्ड ही चेंज किया है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन हमने चेंज किया है पासवर्ड। I don't know, मैं तो देखा सेम ही है बट आई डोंट नो एनीवे। बट मुझे वो मेरे पाँव में बहुत बर्निंग हो रहा है, आई मीन लॉन्ग टाइम से हो रहा है बट। तो आप ये केस मॉर्निंग वाले सेशन में बता सकती हैं, माधव निदान के सेशन में? माधव निदान या तब बता सकती हूँ या तब आप बताइए, अभी हमको नींद आ रही है, सब लोगों को, सब लोग थक गए जी, इतना विद कर लेंगे सर, सर विद कर्म कर लेंगे एक्सी परम्परम पे, विध कर्म करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास वो, गुड नाइट। ओके आपने रसपाचक का जो बात का ना, हम कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, आपने चैट बॉक्स में लिखा था, पूजा कुला जी ने लिखा था, हम कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, अभी सेशन बंद करते हैं। अंजना मैम सेशन बंद कर दे क्या? अंजना मैम जी सर, जी सर, समय हो रहा है सर, आप जब तक नहीं बोलते सेशन बंद नहीं होता। नहीं सर, हो जाए। थैंक यू सभी लोगों का, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम सर, थैंक यू, थैंक यू सर।